नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सबसे पहले मेरे गुरुओं को प्रणाम। मुझे भी आशीर्वाद की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हर एक व्यक्ति को अपने गुरुओं के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरु पूर्णिमा का सुनहरा अवसर जब भी आपके इर्द गिर्द आता है तो जैसे भक्तिमय हो जाता है ना माहौल। कोई भी भगवान का दिन आता है तो गुरु पूर्णिमा का दिन जब शुरू होता है, आने वाला ही होता है, तो उसकी गूंज जो है हर शिष्य के कानों में बजना शुरू हो जाती है। वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि अंधकार से उजाले की ओर गुरु ही तो लेकर के गए हैं। एक सही मार्गदर्शन गुरुओं ने ही तो दिया है। अब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो 13 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और 13 जुलाई का दिन आपकी ज़िंदगी का बदलाव का दिन भी हो सकता है। ये समय ऐसा समय होता है जब कहते हैं कि अपनी गलती को अगर रिमूव कर दिया जाए तो वहीं एक नई शुभता भरा हुआ चिन्ह बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उस गलती को मिटाने के लिए बड़ा दम चाहिए होता है। पहले तो गलती मानना ही अच्छी नहीं लगती किसी को भी, तो सुधार कहाँ से करेंगे। लेकिन गुरु जो है ना, कान पकड़ करके भी आपकी गलतियों में सुधार कर सकते हैं क्योंकि उनको रुतवा, उनका एक लेवल ही अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में उनकी प्रेजेंस ही अलग होती है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन है आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि। जब कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि और ऊपर से चांद के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, यहाँ पे हो ही नहीं पाते, मुश्किल से होते हैं क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय भी हो जाता है। इसीलिए ये समय ज़रा थोड़ा सा कठोर तपस्या का भी होता है। ये समय आपकी परीक्षा का भी होता है। ये समय अपने अंदर की एक एनर्जी को फिर से रिकॉल करने का होता है। ये समय वो समय भी होता है जहाँ हम भटक करके किसी और राह पर चलना शुरू कर देते हैं, वहीं से कहते हैं मुड़ने का समय जो होता है वो भी यही समय होता है। तो ये समय बड़ा इम्पॉर्टेंट समय होता है। अब गुरु की जब हम बात करते हैं तो गुरुओं का ओहदा ही अलग होता है। अब गुरु का मतलब है क्या? हम उसको दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं इस वर्ड को। गुरु ये संपूर्ण है वैसे अपने आप में, सोचिए, लेकिन हम उसका आधा आधा अक्षर का आपको मतलब समझाना चाह रहे हैं। गु की मतलब होता है, गु का आगे मतलब जो होता है वो उसका अर्थ है अंधकार, अज्ञानता। देखिए गुरु जो है, लेकिन पूरा कंप्लीट जब बनेगा तो उसका मीनिंग ही अलग बदल जाएगा। ग उ मात्रा जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब है अज्ञानता और अंधकार, लेकिन र आगे उ की मात्रा जहां लिखते हैं तो वहां निरोधक बन जाता है। यानी हर रोग का, मर्ज का हर एक सोल्यूशन गुरु के पास होता है। तो सोचिए जब गुरु कंप्लीट अक्षर बनता है तो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली एनर्जी बन जाती है। वो एक ऐसी एनर्जी आपके साथ होती है, वो एक ऐसा आशीर्वाद आपके साथ होता है। वो भले ही कई बार विजिबल नहीं होता लेकिन हमें ये मालूम है हमारे पीछे एक ऐसी एनर्जी खड़ी है जो हमें हमेशा सुरक्षित रखेगी। माता पिता भी गुरु ही हैं, लेकिन माता पिता भी आपको गुरु के हवाले करते हैं। प्रथम पूजनीय देवता भी हैं गणेश जी, लेकिन उसके बाद हम और सारे देवताओं को भी तो मानते हैं। लेकिन जैसे प्रथम हमारे घर के देवता कौन है, हमारे पूजनीय कौन है, हमारे माता पिता हैं, वो हमारे भगवान हैं। लेकिन हमारे भगवान भी हमें कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान ना होए, कि गुरु के बिना तो आपको भी ज्ञान नहीं होगा। जबकि वो प्रथम गुरु हैं, हमारे घर के हैं, हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, हमारे प्रथम गुरु हैं, लेकिन वो भी आपको एक सही गुरु की तरफ रुझान कराते हैं ताकि आप सही शिक्षा हासिल कर पाएं, अपना एक मार्गदर्शन देख पाएं, आप सही दिशा की ओर चल पाएं, और सही दिशा की ओर चलते हुए आप अपने जीवन को सही बना सकें, सुखमय बना सकें और ज्ञानवान बना सकें, अंधकार से बाहर निकल सकें। तो ये समय जो गुरु पूर्णिमा का आया ना, ये रिकॉल घंटी बजाने का आया है। कौन सी? आपकी अंतरात्मा की घंटी, कि जहाँ हम आज की भाग दौड़ में एक फॉर्मेलिटी के अंदर फंस गए हैं,
हम भूल चुके हैं कि गुरुओं का स्थान क्या है। हम उन्हें आदर ही नहीं उतना दे पाते। हम सिर्फ अपनी ही चकाचौंध की जिंदगी में घुस गए हैं। ठीक है, लेकिन जिस एनर्जी ने आपको एक शिक्षा देकर के एक रास्ता, एक वे दिया है, आपको मंजिल तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था, उन्हें कैसे भूल सकते हो आप। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, ये अंधकार से निकलने का दिन है। अगर फिर भी आप किसी स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, पहले समय बहुत अच्छा था, आज आप बोलते होंगे कि अब समय हमारा बहुत ख़राब चल रहा है, अब समय अच्छा ही नहीं चल रहा, अब हम अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है आपकी ज़िंदगी, और वो कमी हो रही है आपके गुरुओं की कमी, उनके आशीर्वाद की कमी हो रही है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये तो सही कहा है, लेकिन गुरु के बिना कल्याण भी नहीं, ये भी सही है। ज्ञान है, कल्याण है, तो आपका जीवन बहुत आसान है। तो ज्ञान भी रखिए, कल्याण भी करिए, और अपने जीवन को आसान भी बनाने का प्रयास कीजिए, सही दिशा की तरफ चल करके। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, और लेकिन पूर्णिमा का दिन है जब हम बता रहे हैं, और आपको बहुत दुर्लभ होते हैं दर्शन करना चंद्रमा के, जब चंद्रमा ही नहीं तो पूर्णिमा कहाँ की। चंद्रमा विजिबल नहीं है, लेकिन है तो अस्तित्व, तो वो थोड़ी हटता है किसी का। तो कई बार बारिश वर्षा ऋतु के चलते चंद्रमा नहीं दिख पाते, विजिबल नहीं, लेकिन वो है, उनका अस्तित्व है, वो एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को आप फील करने के, जैसे गुरु आपसे दूर है ना, तो उस एनर्जी को फील कीजिए कि गुरु हमारे बिल्कुल आसपास हैं। एक मिनट आंखें बंद करके स्मरण कीजिए, ऐसे लगेगा कोई एक शक्ति आपके पास आई है और जिसने आपका मनोबल जो है एकदम बढ़ा दिया है। बट वही बात आती है कि फील करने की, आप क्या फील करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये महीना ऐसा महीना आषाढ़ पूर्णिमा के साथ जो समाप्त होता है, जो 15 जून से शुरू हुआ था, 13 जुलाई को समाप्त होगा पूर्णिमा तिथि के साथ। इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब ये गुरु पूर्णिमा जो है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम हिंदू कैलेंडर से चलते हैं तो फोर्थ मंथ यानी चौथा महीना होता है आषाढ़ी महीना। तो इस महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसी के ठीक बाद आपके श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठ और श्रावण के बीच में जो ज्येष्ठ, श्रावण, आषाढ़ी, ये तीन महीने बड़े अच्छे महीने होते हैं। ज्येष्ठ और श्रावण के बीच में आषाढ़ी महीना पड़ता है, तो ये बड़ा उत्तम सा महीना होता है, बड़ा दैवीय महीना है। इसी महीने में हरिशयनी एकादशी होती है। इसी महीने में ही आप बहुत सारी अपनी एनर्जी को डबल, ट्रिपल, कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि हरिशयनी एकादशी के बाद आपके पास और एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो समय आपको अकेले बैठ करके चिंतन वनन करने का समय, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने वाला होता है। तो ये समय बड़ा दैवीय समय होता है, और आषाढ़ी पूर्णिमा तो बहुत उत्तम पूर्णिमा मान जाती है। अब ये आषाढ़ पूर्णिमा, बहुत सारी माघ पूर्णिमा, ये सब पूर्णिमा जो होती है, ये नक्षत्रों के नाम से पड़ी हुई है। यानी कहते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में जाता है, उस नक्षत्र के नाम से ही महीनों के नाम है हिंदू कैलेंडर के। और ये भी कहते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा में अगर के पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर आषाढ़ी पूर्णिमा आती है तो बड़ी दैवीय मानी जाती है, जबकि इस बार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इस बार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र नहीं मिल रहा है। बड़ा पुण्य का महीना, अच्छा महीना, तप का महीना, जगन्नाथपुरी की यात्राएं भी इसी महीने शुरू हो जाएंगी अब। और तो और अब करना क्या चाहिए हम लोगों को पूर्णिमा के समय में, पूर्णिमा के समय में सबसे पहले अपने गुरुओं को याद करिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर नज़दीक हैं तो ज़रूर जाइए, आशीर्वाद लीजिए, और अगर आपके दूर हैं गुरु तो उनके चरणों का ध्यान करके आप कुछ फूल अर्पित कर दीजिए धरती पर, माँ सरस्वती पर, यानी धरती हमारी माँ सरस्वती है। धरती पर कुछ फूल अर्पित करते हुए आपने प्रणाम करना है अपने गुरुओं को, आशीर्वाद लेना है, आंखें बंद करके थोड़ा सा स्मरण करना है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। इसमें गुरु पितृ दोष भी खत्म होते हैं, जब हम ये छोटे उपाय करते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी से कष्ट निकालने के लिए। अगर गुरु नज़दीक हैं तो जाइए, उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले लीजिए, और माफ़ी भी मांग लीजिए अगर आपने कहीं भी एक क्षण भी उन्हें भूलने की कोशिश की है तो, यानी कोई भी समय आपका उनको भूल करके निकला हो, उन सारे जितने भी आपके समय थे उन समय की क्षमा मांग लीजिए,
और मिठाई और वस्त्र आप जरूर उन्हें एक त्योहार उपहार के रूप में देकर के आइए, आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी जो है सही दिशा की तरफ चल पाए। इस गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं, और अपने जीवन को सही और स्वस्थ बनाने के लिए गुरुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दिशाहीन हो जाते हैं हम गुरु के बिना, लेकिन गुरु होते हैं तो हमें सही दिशा सही राह दिखाते हैं। तो गुरु की भूमिका को हमेशा याद रखिए। एक कोई भी जो भी व्यक्ति आपको एक क्षण के लिए भी शिक्षा देता है वो आपका गुरु है। जो आपको सही राह पर लेकर के जाता है वो आपका गुरु है। तो हमेशा गुरुओं का आदर कीजिए ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रह जाए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।